हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूरॉन्स जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से ही बना हुआ है और न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी हैं। सो न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो कि स्ट्रक्चर भी बनाता है नर्वस सिस्टम का एंड फंक्शन भी न्यूरॉन्स ही परफॉर्म करते हैं। सो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन हमारे नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस। अब ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं, नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गर्म सरफेस को टच किया, किसी गर्म चीज को टच कर लिया। सो यहाँ पर सेंसरी नर्व्स जिन्होंने सेंस किया कि ये गर्म सरफेस है, वहां पर नर्व इम्पल्सिस जनरेट हुई, यानी एक सिग्नल, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई। अभी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, कहाँ तक गई, ब्रेन तक गई। ब्रेन तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई। अब ब्रेन ने क्या किया, उसके लिए रिएक्ट किया और नर्व इम्पल्सिस को दोबारा भेजा, और मेरी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू नर्व इम्पल्सिस को दोबारा भेजा और मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। सो इस तरह से न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन का पता लगता है कि ये गर्म चीज़ है, ये ठंडी चीज़ है। हम उसको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उस चीज़ के लिए रिएक्ट करता है। अब ये चेंजेस जो हमें पता लगते हैं कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ये बाहर हो रहे हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल जैसे कि लाइट एकदम से दिखी, स्मेल आई, कुछ टेस्ट किया हमने, कुछ टच किया। सो ये सब क्या है, एक्सटर्नल चेंजेस है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो ये मैसेज भी ब्रेन तक जाता है। सो ये सब कैसे जाता है, ये सब न्यूरॉन्स के द्वारा या नर्व्स के थ्रू जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या फिर केमिकल इम्पल्सिस, जिनको नर्व इम्पल्सिस कहते हैं, ये जनरेट होती हैं। सो इनका जनरेट होना क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। सो नर्व इम्पल्सिस क्या है, एक तरह से सिग्नल और इंफॉर्मेशन है जो कि ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन से वापस आ रहा है। सो इनका ट्रांसमिट होना नर्व सिग्नल का दो तरह से होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कब जनरेट होंगी, जैसे कि ये न्यूरोन का स्ट्रक्चर है। सो न्यूरोन का एक डायग्राम है। सो विद इन द न्यूरोन, न्यूरोन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती हैं। अगर यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ है तो पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू जो मैसेज है वो स्प्रेड होगा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी। केमिकल इम्पल्सिस क्या होती हैं, केमिकल ट्रांसफर ऑफ मैसेज क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रांसफर होता है, इम्पल्स ट्रांसफर होती है, तो कैसे होती है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता, थोड़ा सा बीच में गैप होता है। इस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक जंक्शन। सो इस गैप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफर होगी जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा। सो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ नहीं है, वहां पर स्पेस है जिसको बोलते हैं सिनेप्स, तो वहां पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस गैप में केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रांसफर होती है या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो किसके थ्रू होती है, केमिकल इम्पल्सिस के थ्रू। सो न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं केमिकल इम्पल्सिस, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से केमिकल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल या फिर जो हमारा ट्रांसफर होना किसका, नर्व सिग्नल का, नर्व इम्पल्स का, इंफॉर्मेशन का, वो दो तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और केमिकल इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिकल विद इन द न्यूरॉन एंड केमिकल वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन्स है, वैसे तो वो दूसरे बॉडी सेल्स की तरह ही है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गॉलजी एपरेटस है, अदर वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं,
लेकिन ये कुछ तरह से डिफरेंट है दूसरे सेल से, कुछ डिफरेंस है इसमें जो कि इनको स्पेशल सेल्स बनाता है। कैसे? फर्स्ट डिफरेंस तो ये है न्यूरॉन में कि दूसरे बॉडी सेल्स की तरह इसमें, दूसरे बॉडी सेल्स में नहीं होता, लेकिन इसमें ब्रांचेस होती हैं। न्यूरॉन में ब्रांचेस और प्रोसेसेस होती हैं जिसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। सो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। सो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, यूजुअल न्यूरॉन का। सो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट, एंड ये भी एक लंबी सी ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्सॉन। सो इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। सो ये दूसरे बॉडी सेल्स में नहीं होता। एक और डिफरेंस, बहुत ही मेन डिफरेंस है न्यूरॉन में, हैज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता। अब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता इसका मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्रोसोम सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। सो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं है इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई भी न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाता है, बॉडी में डैमेज हो जाता है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकता। अगर डैमेज हो गया तो सेल डेथ हो जाएगी, न्यूरॉन डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकता। हाउएवर न्यू न्यूरॉन जनरेट हो सकते हैं कई रीजन में। सो कई ब्रेन के रीजन ऐसे हैं जहां पर न्यू या फिर नए न्यूरॉन जनरेट होते हैं, नए न्यूरॉन बनते हैं, लेकिन जो एक बार खराब हो गया न्यूरॉन सो वो मर जाता है, वो डिवाइड होकर दूसरा न्यूरॉन नहीं बना सकता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। सो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होंगे। सो थ्री टाइप्स हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। सो हम पढ़ते हैं मोटर न्यूरॉन के बारे में। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इफरेंट न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन। सो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ तक लेके जाता है, हमारे पेरिफेरल ऑर्गन तक, जहाँ पर ऑर्गन जिसमें भी कोई चेंज आया है या कोई मैसेज आया है तो वहां तक मैसेज लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ पर लेकर जाता है, पेरिफेरल ऑर्गन या फिर इफेक्टर ऑर्गन तक, जहाँ पर जरूरत है। मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन जो होता है ये एक्सॉन लॉन्ग होता है और डेंड्राइट शॉर्ट होती हैं। सो ये डेंड्राइट्स मोस्टली कहाँ रहती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक्सॉन जहाँ पर मोटर, जहाँ पर ऑर्गन है हमारा लाइक मसल्स है, वहाँ पर पहुँचते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैरी इंपल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, पेरिफेरल ऑर्गन से, जैसे मैंने अभी हॉट सरफेस का एग्जांपल दिया था, तो वहां से मैसेज कहां तक लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसमें क्या होता है, एक्सॉन शॉर्ट होता है और डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं। डेंड्राइट्स लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव कर सके। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द अदर टू टाइप्स। इंटर न्यूरॉन ना तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना ही सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, सिर्फ एक कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच में, मोटर और सेंसरी के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, ताकि जब भी मैसेज ट्रांसफर होना है, मैसेज ब्रेन से या फिर ऑर्गन तक जाना है या फिर ऑर्गन से ब्रेन तक जाना है तो फिर उसमें टाइम ना लगे, जल्दी से मैसेज ट्रांसफर हो जाए। सो इंटर न्यूरॉन्स एक तरह से टाइम को सेव करते हैं मैसेज के ट्रांसफर होने में, इंपल्सिस के ट्रांसफर होने में। सो एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन अदर टू टाइप्स। सो ये इस तरह से होता है, लाइक ये सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इनपुट जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन जो कि पेरिफेरल ऑर्गन से मतलब हमारी पूरी बॉडी से मैसेज या फिर इंपल्सिस को लेकर जाता है। न्यूरल प्रोसेसिंग जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को प्रोसेस करता है, इसके लिए रिएक्ट करता है। और मोटर आउटपुट, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आते हैं कहाँ तक, पूरे हमारी बॉडी ऑर्गन्स में। लाइक अगर इस यहाँ हाथ ने टच किया गर्म सरफेस को, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, सो मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। सो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, एंड ये जो लॉन्ग एक स्टॉक जैसी एक ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्सॉन। सो ये लॉन्ग जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्सॉन। सो सबसे पहले हम सेल बॉडी की बात करेंगे, जो मेन जहाँ पर मैसेज इंटरप्रेट होता है, मैसेज के लिए रिएक्ट होता है।
सो सेल बॉडी को सोमा कहते हैं. सोमा और सेल बॉडी सेम है, इरेगुलर इन शेप. इसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप है. जैसे दूसरे सेल्स में सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसे ही न्यूरॉन की सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूरोप्लाज्म. सो न्यूरोप्लाज्म इज लाइक साइटोप्लाज्म. सो न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, एक सेंटर में न्यूक्लियस. सो ये सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में. निसल बॉडीज, निसल बॉडीज क्या होती हैं, निसल बॉडीज जैसे दूसरे सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. निसल बॉडीज का वही काम है सेल बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स में. सो निसल बॉडीज लाइक राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं. सो न्यूरोफाइब्रिल्स या न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स इन प्रोटीन जो निसल बॉडीज ने प्रोटीन्स को सिंथेसिस किया है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है जो कि न्यूरॉन्स के फंक्शन में काम आती है. सो ये जो एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये ग्लूकोज से रिसीव होती है, ग्लूकोज से. देन गोलजी एपरेटस, गोलजी एपरेटस का क्या काम है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं उनकी पैकिंग करना. सो ये सब जो ऑर्गेनिल्स हैं ये सेल बॉडी के न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं. सो सेल बॉडी ये है स्ट्रक्चर. सेल बॉडी फॉर्म द ग्रे मैटर. सो सेल बॉडी क्या बनाती है, ग्रे मैटर बनाती है. सो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें टू मैटर्स होते हैं. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है एक्चुअली ग्रे मैटर और वाइट मैटर. सो ग्रे मैटर जो बना हुआ है वो सेल बॉडी से बना है. सो जो ब्रेन है उसमें साइड में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की. सो ये जो ब्रांचेस निकल रही है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. ब्रांचेस हैं ये, शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, शॉर्ट ब्रांचेस हैं इसलिए इनको शॉर्ट प्रोसेसेस कहा है, दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सिस टूवर्ड्स सेल बॉडी. सो डेंड्राइट्स क्या करता है, जो भी इम्पल्सिस मिल रही हैं या फिर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको रिसीव करता है. सो अगर तो ये एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव कर रहा है, सिनेप से, सिनेप्टिक जंक्शन से. अगर डेंड्राइट्स सेंसरी कुछ सेंस कर रही हैं तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, तो ये सेंस भी करती हैं. तो इस तरह से दोनों तरह से फंक्शन करती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से भी मैसेज रिसीव करती हैं, इंपल्सेस रिसीव करती हैं थ्रू सिनेप्स, और सेंसरी इंपल्सेस भी रिसीव करती हैं थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स. सो ये रिसीव करके कहाँ पे पहुँचाती है इंफॉर्मेशन को, सेल बॉडी के अंदर. सो डेंड्राइट्स बाहर से मतलब अपने आसपास से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, इंपल्सिस को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी तक लेकर जाती हैं. एंड डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंड्राइट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ताकि डेंड्राइट्स और ज़्यादा इंपल्सिस को अच्छे से रिसीव कर सके. इसलिए डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि डेंड्राइट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. अब जो डेंड्राइट्स हैं सेल बॉडी तक लेकर जाती है. अब सेल बॉडी से आगे कहाँ पर पास होता है मैसेज, एक्सोन में. सो एक्सोन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सोन वन लॉन्ग एक्सोन बिगिन, अब एक लॉन्ग एक्सोन प्रेजेंट रहती है न्यूरॉन में, बिगिन एट टेपर्ड एरिया ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड एक्सोन हिलॉक. सो एक्सोन कहाँ से निकला है, सेल बॉडी से ही निकला है. सेल बॉडी का ये जो टेपर्ड एरिया है इसको बोलते हैं टेपर्ड एरिया, ऐसे एरिया जो निकल रहा है आगे से चौड़ा और फिर ये संकरा या नैरो हो जाता है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक. सो एक्सोन हिलॉक से एक लंबी एक्सोन निकलती है, यूजुअली एक ही एक्सोन होता है न्यूरोन में. सो यूजुअली लॉन्गर प्रोसेसेस रन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. अब डेंड्राइट में ब्रांचेस हैं, एक्सोन भी एक ब्रांच है, डेंड्राइट शॉर्ट है और एक्सोन क्या है, लॉन्ग है. सेल बॉडी से फर्दर इंफॉर्मेशन लेके कौन जा रहा है, एक्सोन. सो ये जो मैंने रेड एरो शो किया हुआ है, रेड एरो ये क्या शो कर रहा है कि डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, देन सेल बॉडी से किससे रिसीव की, एक्सोन, एक्सोन ने. तो इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ जाती है या इंपल्सिस कह लो वो किसकी तरफ जाती है, नीचे की तरफ, एक्सोन की तरफ. सो कुछ एक्सोन्स इतने लंबे होते हैं कि वो 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं. सो इसका एग्जांपल क्या है, सियाटिक नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बेस से निकल के हमारे जो फुट का टो होता है वहां तक जाती है, इतने लंबा एक्सोन हो सकता है. अब एक्सोन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सोलिमा सबसे पहले क्या होता है, एक्सोलिमा एक्सोन की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं, एक्सोलिमा.
एक्सोन हिलॉक, मैंने पहले ही बता दिया कि जो टेपर्ड एरिया है जहां से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है सेल बॉडी से निकल के। नेक्स्ट है माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ क्या है? जो हमारी पूरा एक्सोन है इसको माइलिन शीथ ने कवर किया हुआ है। माइलिन शीथ एक फैट की शीट होती है। सो फैटी शीथ जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, पूरे एक्सोन को इसने कवर किया हुआ है। कुछ एक्सोन्स में माइलिन प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सोन्स में माइलिन प्रेजेंट नहीं होता। सो ये होती है माइलिन शीथ, जो कि ऐसे ये नजर आ रही है जिसने इसको कवर किया हुआ है। अब है नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ कई जगह पर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये बॉक्स से बना रही है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, थोड़ी सी जगह यहाँ एक्सपोज है, यहाँ पर ये बंद है यहाँ पर। सो ये जो छोटी छोटी जगह बीच में जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर एक्सोलिमा दिख रही है। सो जहाँ पर एक्सोलिमा एक्सपोज हो रही है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब श्वान सेल्स क्या है? इन माइलिन शीथ के अंदर श्वान सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इन श्वान सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये जो एंड वाला पोर्शन है इनको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। सो ये टर्मिनल बटन्स एक्सोन्स का एंड पोर्शन है। इसका क्या काम है? जब सिनेप्स होता है, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता है, तब जो टर्मिनल बटन्स हैं, ये एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स हो गए एंड दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, दोनों आपस में मिलकर सिनेप्स बनाते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर टर्मिनल बटन से एक न्यूरॉन से मैसेज यहाँ तक पहुँचा तो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुँचेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे यहाँ से मैसेज। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।